हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल सेवंथ, सॉल्व द इन इक्वेशंस। इसका फर्स्ट पार्ट है एग्जांपल सेवंथ का, लीनियर इन इक्वेशंस। अब इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। अब ऐसे निकलना है कि ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है x माइनस 5, इसको उधर भेज देना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ये नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि x माइनस 5 ये टर्म हमें पता नहीं है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। क्योंकि अगर ये टर्म नेगेटिव होती तो जब भी हम नेगेटिव टर्म को या दोनों नेगेटिव को उधर भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव टर्म में, ठीक है। नेगेटिव टर्म को अगर हम उधर भेजते हैं या दोनों साइड से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर ये टर्म नेगेटिव है तो इसको खत्म करने के लिए हम नेगेटिव नंबर से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर ये टर्म पॉजिटिव है तब साइन नहीं चेंज होता, तो इसलिए हमें इसका पता नहीं है नेगेटिव टर्म है कि पॉजिटिव है, क्योंकि x लगा हुआ है, x के बारे में नहीं पता। x कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी x हो सकता है। तो हमने इसको उस तरफ नहीं भेजना, यानी या कह सकते हैं कि जो डिवाइड में टर्म है तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई x माइनस 5 से नहीं कर सकते। अगर अकेला अगर x ना होता, अगर अकेला माइनस 5 होता तो हमें पता है कि टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर देना था माइनस 5 के साथ और साइन चेंज हो जाना था, ठीक है। वही जैसे पिछली वीडियोस में मैंने करवाया वैसे ही। पहले आप वो वीडियोस अच्छे से देख लेना, समझ लेना वो कैसे किए सम्स। तो इसमें क्या करना है कि हम x माइनस 5 जो डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो देखो हमें कैसे सॉल्व करना है, इसका अलग वे है। ये टर्म पॉजिटिव है ऊपर भी, मतलब ये टर्म कब पॉजिटिव होगी, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी ये टर्म कब पॉजिटिव होगी, जब रफ पे मैं करने लगी, अगर ऊपर टर्म ये वाली टर्म भी पॉजिटिव और नीचे वाली टर्म भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। और तरीका क्या है, और वे क्या है कि अगर ये टर्म नेगेटिव है और नीचे वाली टर्म भी क्या नेगेटिव है, ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, तब भी नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो का मतलब होता है पॉजिटिव, जीरो से बड़ा, जीरो से बड़े सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव के दो केसेस है, या तो दोनों टर्म्स क्या हो, पॉजिटिव हो तब भी प्लस प्लस पॉजिटिव होता है, या दोनों टर्म क्या हो, नेगेटिव हो माइनस हो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ऐसे ऐसे नहीं हो सकता एक प्लस की और एक माइनस की हो, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, वो नेगेटिव हो जाना था, बट हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब हो सकता है, ये दोनों पॉजिटिव हो या दोनों क्या हो, नेगेटिव हो। चलो हम इसके केसेस सॉल्व करते हैं। अगर दोनों पॉजिटिव है तो देखो इसको, आइदर x माइनस 3 पॉजिटिव और x माइनस 5 पॉजिटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो, x माइनस 3 पॉजिटिव, x माइनस 5 पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। या दूसरा केस हो सकता है, और x माइनस 3 नेगेटिव, x माइनस 5 नेगेटिव, लेस देन 0, यानी ग्रेटर देन 0, या दोनों क्या होंगे, लेस देन 0, ऊपर वाली दोनों टर्म्स, ठीक है। ये दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, यहां से x की वैल्यू क्या आती है, आइदर x इज ग्रेटर देन 3 और ग्रेटर देन 5, यानी 3 माइनस का 3 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, माइनस का 5 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, और x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 5, यानी माइनस 3 उधर भेज दिया, 3 माइनस 5 उधर आके प्लस का 5। ये केसेस आएंगे टू। अब इसमें से देखो, x इज ग्रेटर देन 3 और x इज ग्रेटर देन 5, इसको मैं रफ पे सॉल्व करने लगी हूँ नंबर लाइन पे। ये देखो, ये 3 है, 4, 5, यहाँ 0, और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी। क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, x क्या है, 3 से बड़ा है, इस तरफ आएगा ग्रेटर देन 3, और x इज ग्रेटर देन 5, ये केस है x इज ग्रेटर देन 5, ये 5 और इससे भी बड़ा है, इस तरफ आएगा। अब इन दोनों में से कॉमन देखना है कि 3 से भी बड़ा है x, 5 से भी बड़ा है, तो दोनों का कॉमन क्या है। कॉमन का मतलब है जिसमें दो लाइनें सेम जा रही है, यहां से जा रही है सेम लाइनें 2, तो ये इसका कॉमन आएगा। कॉमन है कि x इज ग्रेटर देन 5, यानी 5 से बड़ा कॉमन है, क्योंकि x 3 से भी बड़ा है, 5 से भी बड़ा है, दोनों को इकट्ठों को लिख सकते हैं कि x 5 से भी बड़ा है, क्योंकि x 3 से भी बड़ा आ गया, यानी कि कॉमन देखते हैं, ये बड़ा इस तरफ और 5 से बड़ा इस तरफ, दोनों में कॉमन ये आ रहा है। दोनों लाइनें देख लो जो सेम जा रही है वो इतनी जा रही है, ये और ये लाइन, बाकी पीछे तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या आ गया, x इज ग्रेटर देन 5, x इज ग्रेटर देन 5 आइदर। और अब इस नंबर लाइन में कॉमन देखते हैं,
थ्री से छोटा इस तरफ जाना है और एक्स लेस देन फाइव, फाइव से भी छोटा इस तरफ जाना है। तो कॉमन देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये वाली लाइन ये दो कॉमन है, ये और ये टू लाइन यहां से स्टार्ट होगी कॉमन, और ये भी यहां मतलब दोनों में कॉमन पार्ट ये आ रहा है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, एक्स इज लेस देन फाइव कॉमन आ रहा है, लेस देन थ्री कॉमन आ रहा है, क्योंकि थ्री से लेस ये भी, थ्री से लेस ये भी ऊपर वाली टू लाइन कॉमन आ रही है। तो क्या लिखेंगे दोनों का कॉमन, एक्स इज लेस देन थ्री, ठीक है दोनों का कॉमन लिखना है, ग्रेटर देन थ्री और ग्रेटर देन फाइव में कॉमन ग्रेटर देन फाइव, लेस देन थ्री और लेस देन फाइव में कॉमन क्या आ रहा है, लेस देन थ्री आ रहा है। तो एक्स इज ग्रेटर देन फाइव का जो इसका सोल्यूशन सेट है, सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज ग्रेटर देन फाइव पे पहला तो सर्कल ओपन आएंगे क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, फाइव से लेकर, फाइव से लेकर आगे जाना है ग्रेटर तो इन्फिनिटी तक, और लेस देन थ्री, थ्री से पीछे जाना है तो थ्री से पीछे जाना है तो पहली वैल्यू इस तरफ लिखनी लेफ्ट हैंड साइड वाली, कहां से माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहां तक थ्री तक, पहले छोटी वैल्यू लिखते हैं, छोटी कौन सी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इधर जाते हैं वैल्यू छोटी होती जाती है, तो लेस देन थ्री, थ्री से जब लेस देखेंगे तो छोटी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पहले लिखनी है, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू पहले, राइट साइड वाली दूसरे नंबर पे, तो राइट साइड थ्री है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर थ्री तक ये इसका इंटरवल आ गया। इसको मैं यूनियन में लिखूंगी फाइव इंटू एट, और का मतलब होता है यूनियन, माइनस इन्फिनिटी इंटू थ्री, तो इसका नंबर लाइन भी ड्रॉ करना है, जैसे ये जीरो इस तरफ थ्री फोर फाइव माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है तो नंबर लाइन क्या आएगा फाइव से लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी ये फाइव, फाइव पे सर्कल आएगा ओपन, क्यों आएगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, और इन्फिनिटी तक यहां ये नंबर लाइन होगा फाइव से इन्फिनिटी, और इस तरफ माइनस इन्फिनिटी से थ्री, ये माइनस इन्फिनिटी ये थ्री, थ्री पे भी ओपन आएगा क्योंकि थ्री पे भी इक्वालिटी नहीं है, तो थ्री से यहां माइनस इन्फिनिटी, ये इसके आंसर आ गया। यहां बच्चे इसको इस तरफ लिखना है, ये मैंने उल्टी लिख दिया, ये वाली माइनस इन्फिनिटी टू थ्री पहले लिखना है, यूनियन फाइव टू इन्फिनिटी, क्योंकि छोटी टर्म्स जो है नेगेटिव वाली वो पहले लिखनी है, यानी माइनस इन्फिनिटी जो वाली नेगेटिव टर्म्स है वो इस तरफ, यूनियन फाइव से इन्फिनिटी तक, ठीक है ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेवन्थ का सेकेंड सम, इस इन इक्वेशन को सॉल्व करना है, x प्लस थ्री डिवाइड बाय x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू टू। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये x माइनस टू है ये डिवाइड में है, हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं करना x माइनस टू के साथ, क्योंकि अगर कोई टर्म डिवाइड में होती है तो हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं उस डिवाइड वाली टर्म को, बट हम इसको क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव नंबर है। मैंने पिछले समय बताया था कि हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि उसमें भी x वाली टर्म थी नीचे, तो इस नंबर से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इसके बारे में हमें पता नहीं है कि ये नंबर नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाता है, इसलिए तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस टू, ये टू इधर आ जाएगा, टू इधर आके नेगेटिव का टू हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू यहाँ जीरो रह जाएगा, ठीक है टू को इस तरफ लिया, और यहां पर मैं एलसीएम लेने लगी हूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू को जब एक्स माइनस टू से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा वन, वन को x प्लस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस थ्री आ जाएगा, वही नंबर आ जाएगा। अब ये टू है, अब x माइनस टू को जब वन से, यानी वन को जब x माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो x माइनस टू ही आ जाएगा, वो x माइनस टू को अब टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू से मैं x माइनस टू को मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि नीचे x माइनस टू नहीं है। अब x प्लस थ्री मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट के साथ माइनस टू एक्स, बस माइनस का ध्यान रखना है यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा क्योंकि माइनस टू को करना है मल्टीप्लाई दोनों तरफ, तो प्लस का फोर अपॉन एक्स माइनस टू। अब एक्स वाली टर्म सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस टू एक्स कितना आ गया माइनस एक्स, थ्री प्लस फोर सेवन अपॉन एक्स माइनस टू, साथ में ये लेस देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ये आ गया। मैं यहां से माइनस कॉमन निकालने लगी हूं, अंदर क्या रह जाएगा जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगी प्लस का हो जाएगा और ये साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा, यानी माइनस का एक्स अंदर साइन कौन सा आ जाएगा प्लस का, और प्लस की जगह यहाँ कौन सा आ जाएगा माइनस का, जब माइनस कॉमन निकालेंगे और नीचे एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो। अब मैं नेगेटिव को खत्म करना है तो मल्टीप्लाई करूंगी
मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय माइनस वन। नेगेटिव नंबर्स मैं मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं माइनस वन से इससे मल्टीप्लाई करूंगी प्लस का हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू। और जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, लेस देन इक्वल टू की जगह क्या आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, और नेगेटिव को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा। ठीक है, ये आ गया, ये वही स्टेटमेंट आ गई जो हमने पिछले सम में किया ऐसी स्टेटमेंट। तो देखो इसमें ये नंबर पॉजिटिव है, ये कब पॉजिटिव होगा, या दोनों पॉजिटिव हो गए या दोनों क्या हो गए नेगेटिव हो गए, क्योंकि दोनों नेगेटिव माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो वही पिछले जैसे किया आइदर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स माइनस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन जीरो। देखो दोनों पॉजिटिव होंगे यानी एक्स माइनस सेवन साइन कौन सा है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू यहां डालूंगी, यहां इक्वालिटी नहीं डालूंगी, यहां सिर्फ ग्रेटर का साइन डालूंगी। यानी क्यों नहीं डालूंगी, क्योंकि ऊपर मैं इक्वल टू जीरो डाल सकती हूँ क्योंकि ऊपर जीरो होता है, नीचे की जीरो टर्म होती, क्योंकि जब नीचे वाली टर्म, देखो जब ऊपर कुछ भी टर्म है नीचे जीरो बन जाए ना वो इन्फिनिटी बन जाता है, वन बाय जीरो इन्फिनिटी, टू बाय जीरो इन्फिनिटी, यानी कि उसका इन्फिनिटी का मतलब है हमें कोई नंबर नहीं पता उसका, तो इसलिए हमें उसके बारे में कोई नंबर नहीं पता, नीचे जीरो नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी टर्म नीचे ऊपर कुछ भी हो नीचे जीरो बन रहा हो तो वो नंबर क्या बन जाता है इन्फिनिटी बन जाता है। और इन्फिनिटी नहीं हमें लेकर आना, हमें इन्फिनिटी के बारे में पता ही नहीं कौन सा नंबर है, तो हमें इन्फिनिटी नहीं लेकर आना, इसलिए इक्वालिटी यहां हो सकती है, इक्वालिटी यहां इक्वालिटी नहीं डालनी, ये वाली इक्वालिटी यहां नहीं डालनी है। ठीक है, सिर्फ x माइनस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जो साइन ये है इक्वालिटी वाला साइन वो ऊपर डालना है, नीचे डिनोमिनेटर में इक्वालिटी नहीं डालनी, क्योंकि अगर इक्वल टू जीरो नीचे हो जाता है तो वो क्या बन जाता है इन्फिनिटी। तो आइदर दिस ग्रेटर देन जीरो, और दूसरा केस कौन सा है दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों नेगेटिव में x माइनस सेवन इज लेस देन इक्वल टू जीरो और x माइनस टू इज लेस देन नॉट इक्वल सिंपल लेस देन जीरो, इक्वालिटी यहां नहीं डालनी सिर्फ यहां ही डालनी है, ये ध्यान रखना न्यूमिनेटर में इक्वालिटी होती है। तो x माइनस सेवन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी आइदर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, x इज ग्रेटर देन टू, और यहां से वैल्यू x सेवन को उधर भेज देते हैं लेस देन इक्वल टू सेवन और x इज लेस देन टू। ठीक है, सेवन को उस तरफ भेज दिया। अब यहां से कॉमन देखते हैं, रफ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन और ग्रेटर देन टू, ये जीरो यहां मान लो टू है और यहां सेवन, टू से आगे सेवन और यहां माइनस इन्फिनिटी यहां प्लस इन्फिनिटी, ये रफ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसमें से कॉमन देखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन यानी सेवन और इससे बड़ा ये आएगा, और एक्स ग्रेटर देन टू, टू या उससे बड़ा। ठीक है, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, कॉमन पार्ट ये दो लाइनें सेम जहां से जा रही है यहां से जा रही है कॉमन लाइनें, तो ये सारा कॉमन पार्ट आ गया, सारा आ गया ये कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, एक्स इज सेवन से स्टार्ट हो रहा है और इक्वालिटी भी है यहां पर, तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, इन दोनों का कॉमन लिखना हमने, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन आइदर, और एक्स इज लेस देन इक्वल टू सेवन, देखो ये सेवन यहां से बताने लगी हूं, सेवन से लेस है तो इस तरफ जाना है और टू से लेस है वो भी इस तरफ जाना है। तो कॉमन पार्ट देखो, ये वाली दो लाइनें जा रही है इकट्ठी, कहां से जा रही है टू से जा रही है, तो कॉमन पार्ट आएगा एक्स इज लेस देन टू, इक्वालिटी नहीं आनी क्योंकि यहां पर इक्वालिटी नहीं है इसलिए यहां पर भी इक्वालिटी नहीं है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आगा? आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वालिटी है तो यहां क्लोज इंटरवल आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, सेवन से लेकर इन्फिनिटी तक, और लेस देन टू मतलब टू से पीछे जाना है तो यहां इस तरफ लिखना है माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लिखनी है माइनस इन्फिनिटी से लेकर टू तक ओपन इंटरवल, क्योंकि यहां इक्वालिटी है। इसका सोल्यूशन सेट आ गया, नंबर लाइन भी ऐसी ड्रॉ करनी है, माइनस इन्फिनिटी जीरो टू सेवन प्लस इन्फिनिटी, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन, सेवन या सेवन से बड़ा, यहां पहला तो क्लोज आएगा क्योंकि इक्वालिटी है और ये नंबर लाइन, और x लेस देन टू, टू टू पे ओपन सर्कल आएगा, ये सर्कल जरूर डाल लें क्लोज या ओपन, ये ओपन सर्कल और यहां पर नंबर लाइन, डार्क करना नंबर लाइन को, ये इसके नंबर लाइन, ये इसका आंसर आ गया।